एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। और ये जो रेसिपी है साग की रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ पालक और सरसों की साग की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बिल्कुल ही बिहारी स्टाइल में होगी। और अब बात कर लेती बिहार की, तो बिहार में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बनाया जाता है। तो हमारी तरफ जहां मैं रहती हूँ, वहां जिस तरीके से साग बनता है पालक और सरसों का, वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये पालक और सरसों को अच्छे से चुन लिया है, इसको जैसे गले पत्ते कीड़े वगैरह देख के इसको अच्छे से साफ करना होता है। और साफ कर लेने के बाद इसको अच्छे से दो चार बार पानी से धोना होता है, और ज्यादा ज्यादा बाल्टी में पानी भर के, क्योंकि इसमें जो मिट्टी होती है ना, वो ज्यादा पानी में धोने से ही निकलती है, वरना थोड़ा थोड़ा रह ही जाएगा। तो मैंने अभी इसको देखिए चुन लिया है, चुन के धो लिया है, धो के काट लिया है। और इसको ज्यादा महीन काटने की जरूरत नहीं है, इसको बस ऐसे ही हल्का सा आप रफली चॉप कर लीजिए। जो चना और खेसारी होता है उसको बारीक काटा जाता है, बाकी पालक वगैरह सरसों या फिर बेसारी का भी साग होता है, वो सब आप ऐसे भी काट के बनाइए तो गल जाता है। तो अभी ये मेरे गार्डन का साग है और बहुत ज़्यादा ताज़ा है, एकदम कोमल कोमल पत्तियों वाला है, तो इसका जो साग बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए बनाते हैं साग। अब तक मैंने जो भी YouTube पर रेसिपी देखा है पालक के साग और सरसों के साग का, मतलब पालक और सरसों का जो भी साग का रेसिपी देखा है, सब में मक्की का आटा या फिर बेसन मिक्स होता है। पर आज जो मैं बनाऊंगी, इसमें ना तो आपको बेसन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मक्की की आटे की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं। इसको धो लिया है और धो के सब्जी की टोकरी में रखा है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए ऐसे पानी इसका निकल रहा है इसके अंदर। थाली में रख के साग काट रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चॉपिंग बोर्ड है वो शादी के टाइम से ही गुम हो गया है, तो बस इसी तरीके से काम चला रही हूँ। मिल जाएगा, कहीं रखा होगा घर में ही, तो उसको एक दिन मैं ढूंढूंगी टाइम निकाल के। तो अभी देखिए कढ़ाई हो गया है गरम, और इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। वैसे तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, पर मैंने इसलिए डाला है कि जो कढ़ाई में होता है साग, जब पानी निकलता है साग से और पानी जब सूखता है तो गजब टाइप का हो जाता है कढ़ाई में चिपक के, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ताकि जो कढ़ाई है वो चिकना रहे। और बस तेल डाल के बाकी कुछ नहीं डालना है, सीधे इसमें मैंने साग को डाल दिया है। और साग डालकर और साग को एक दो बार पलट कर, और फिर मैं इसमें नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। मतलब नमक भी आपको ना कम ही डालना है, क्योंकि साग गल जाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, तो नमक थोड़ा सा डालूंगी। और डाल के इसको ढक के मैं एकदम कम आँच पे अच्छे से पकाऊंगी। देख लेते हैं साग को, देखिए अभी इसमें कितना सारा पानी है, मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। तो जो पालक होता है ना, वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है, पालक भी है इसमें, और साथ के साथ जो सरसों भी मैंने लिया है ना, वो भी सरसों एकदम कोमल पत्तियों वाला था। तो जाहिर सी बात है, कोमल पत्ती हो साग का और पानी न छोड़े, हो ही नहीं सकता। तो अभी इसको ना, जितना इसमें पानी है ना, सब पानी को हमें सुखा लेना है आग पर ही, और साथ के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम। इतना पानी जैसे सूखेगा, वैसे वैसे ये साग भी पकते जाएगा और ऐसे मिक्स होते जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे करके मिक्स करते रहना है। ये कलछुल से ज्यादा अच्छा होता है, तो कलछुल से हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं देखते हुए, ताकि जो इसका पानी है वो पड़े ना। तो अभी हम इसको और थोड़ा सा गलाएंगे। साग में डालने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है हरी मिर्च और लहसुन लिया है। अब इसको मैं एकदम बारीक बारीक काट लूंगी। अभी भी देखिए इसमें कितना सारा पानी है। तो साग अभी अच्छे से पक चुका है, बस इसका पानी हमें सुखाना है। तो अब मैं आंच को तेज करके और जल्दी से इसका पानी सुखा दूंगी। और इधर देखिए मैंने सलाद काट के रेडी कर लिया है, यहाँ पे मेरा चावल भी बन चुका है और मैंने दाल भी बना लिया है। तो बस अब साग बनने का इंतजार है। साग जैसे ही बन जाएगा मैं पापा को खाना दूंगी, फिर मैं और बाबू भी खा लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ तीन ही लोग हैं।
आँच को तेज करने के बाद साग को बराबर चलाते रहना होता है। तो अभी देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है और यहाँ पे देखिए हरी मिर्च को बारीक काट लिया है मैंने, लहसुन को कूट लिया है, आप काट के भी डाल सकते हैं लेकिन कूटा हुआ मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट देता है। तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, बस अब साग का पानी अच्छे से सुखा लूँगी, फिर मैं इसमें हरा मिर्च और लहसुन और साथ के साथ इसमें मिक्स करूँगी मैं सरसों का तेल। और कोई तेल इसमें आपको नहीं डालना है, सरसों का तेल ही डालना है, वो भी कच्चा, उसको भी पका के नहीं डालना है। तो जो कच्चा सरसों का तेल होता है ना साग का टेस्ट बढ़ा देता है। तो देखिए अभी इसका पानी एकदम अच्छे से सूख चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहता है ना तो साग का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो पानी सूख चुका है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च, और हरी मिर्च ही डालना है, लाल मिर्च यहाँ डालिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हरी मिर्च और लहसुन डालिए, अगर लहसुन का पत्ता है तो वो भी आप कूट के डाल सकते हैं। और अब मैंने देखिए कच्चा तेल डाल दिया है, गैस को ना बस ऑफ़ कर दिया है, ऑफ़ करके ही ये सब काम करना है, ऑन करके भी आप कर सकते हैं, करके गैस बंद कर दीजिए तुरंत, इसको पकाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो लहसुन और हरी मिर्च और तेल होता है ना सरसों का, इसका कच्चा टेस्ट ही स्वाद बढ़ा देता है साग का। तो यहाँ पे देखिए साग हो गया है तैयार, देखिए आप सब भी बताइए कैसा लग रहा है। वैसे खा के तो आप देख नहीं सकते, देख कर ही बता दीजिए, देख सकते हैं आप लोग इसका जो कलर है कितना बढ़िया आया है। मतलब साग बनाने के बाद ना साग का कलर काला सा हो जाता है, पर इसका जो कलर है अभी तक ग्रीन का ग्रीन ही है। तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ जैसे गाँव में हमारे साग और चावल खा लेते थे लोग, इसके साथ दाल सब्जी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी भी साग और चावल बहुत पसंद से खाते हैं हमारे घर में लोग। तो मैं अभी निकाल रही हूँ पापा के लिए खाना, और बस ये मेरा आप सभी के साथ छोटा सा एक रेसिपी का ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी जब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अच्छी नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप मेरी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो। यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया, जा रही हूँ पापा को देने।